नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्त गाहांडी सळ यूट्यूब चैनल रो ब्रेकफास्ट एपिसोड को स्वागत। यही ब्रेकफास्ट एपिसोड आपण मनको पाई बहुत हेल्पफुल हबो। एथिरे बहुत टेस्टी एवं कम समय रे गाँव में सहज रे मिलुथुवा सामग्री को नहीं प्रस्तुत करा हौची। आजिरो एपिसोड रे मु उत्पम करी भी। एही उत्पम छोटरु बड़ समस्त पसंद आसीबो। एही उत्पम देखिया पाई जेते सुंदर लागिबो, स्वाद तो अतुलनीय। घरे थरे एही रेसिपी को ट्राई करंतु, केमती लागिला आपणकर अनुभव कमेंट सेक्शन को जाय शेयर करंतु। वर्तमान उत्पम पाई कौन सब आवश्यक सामग्री प्रस्तुत प्रणाली देखि नबा। उत्पम पाई प्रथमे मु चोपा लगा बेरी को 6 घंटा भिजाई कि भिजी सल्ला परे चोपा बाहर करी नहीं धोई नहीं छी। बिरी गोटे कप नहीं छी, से अनुसार चूड़ा भी गोटे कप नहीं छी। चूड़ा को मध्य भिजे कि रखी थी। ये मु चावल 2 कप नहीं छी। चूड़ा आउ बिरी रो परिमाण मिसिक जेतिकि नबे, चावल रो परिमाण सेतिकि नबे। एबे हमें गोटे बाउल नबा, सेतिरे चूड़ा चावल आउ बिरी को दे दबा। चूड़ा चावल बिरी दे सल्ला परे भलो से मिसै नबा। ये सब मिसै सल्ला परे आमे ग्राइंडर जार रे पानी देकी याकु पेस्ट करी नबा। देखंतु एठी मु याकु ग्राइंड कर नै छी। एई भले बहळिया पेस्ट करिवे, पानीया करिवेनी। इटली कला बेले बैटर जो परिकार रखंती, उत्पम रो बैटर मध्य सेई परिकार रखिबे, बहळिया रखिबे। एबे आमे सेथिरे लूण दे दबा। लूण दे सल्ला परे ए सब कु भलो से मिसै नबा। एबे त हमर उत्पम पई बैटर प्रस्तुत हो गला। एबे उत्पम पई आउ कौन सब आवश्यक सामग्री दरकार देखि नबा। देखंतु एठी मु 3टा कंचा लंका नै छी, ताकु छोट साइज रो काटि नै छी। गोटे टमाटर को मध्य से भली छोट साइज रो काटि नै छी। छोट कटा हेतिबा धनिया पत्र, एठी मु गोटे गाजर नै छी, ताकु कोरी नै छी। छोट कटा हेतिया प्याज गोटे नै छी। सबकु ए भली छोट साइज रो काटिबे। आउ किछि बीट लूण नै छी। एबे आमे तावा गरम करनबा, सेथिरे तेल लगे दबा। देखंतु तेल एबे गरम हो गलानी। एबे आमे चूड़ा चावल बिरीर मिश्रण को दे दबा। उत्पम कला बेले ए भली टिके मोटा रखिबे, पतला करिवेनी। एबे आमे गाजर कोरा को दे दबा। गाजर कोरा दे सल्ला परे छोटो कटा हेतिया प्याज को दे दबा। प्याज दे सल्ला परे टमाटर को दे दबा। एबे आमे धनिया पत्र दे दबा। धनिया पत्र दे सल्ला परे कंचा लंका दे दबा। एठी जदि आपनको पाखे कैप्सिकम थाए, कैप्सिकम भी छोटो साइज रो काटि दे पारिबे। ए सब सामग्री दे सल्ला परे एबे आमे बीट लूण दे दबा। बीट लूण दे सल्ला परे ए सब को टिके टिके चापी नबा। एबे आमे ता ऊपर अल्प टिके तेल दे दबा। एबे आमे धीमा आंचर रखी 10 मिनिट पर्यंत घोड़नी दे दबा। देखंतु उत्पम उल्टा हुए नी, सेथिपाई मु धीमा आंचर रखी घोड़नी दे देथली। एबे आमे छुरी साहाज्यरे देखिबा उत्पम हेछि कि नाही। देखंतु छुरी रे लागुनी। एबे आमर उत्पम हे गलानी। एबे आमे उत्पम को प्लेट को खोली नबा। देखंतु केते सुंदर देखाउछि। सेई सेम प्रोसेस रे एबे आमे आउ गोटे उत्पम कर नबा। आपणकर चॉइस अनुसार जो पर भेराइट करके सजे पारे। ये मुझे गोटे प्रोसेस देखा सजेवाटा। गाजर दे सारापर एवं आम टमाटर को देद। टमाटर दे सारापर ता चारिकड़े ये धनिया पत्र देद। एवं आम पिज कंचा लंका को भी देद। छोट पिलामानक पई आठ छोट छोट उत्पम भी करि परिबे। देखंतु याकु मध्ये टिके टिके हाथ रे चापी नबा। एबे आमे बीट लूण दे दबा। जो मानकर बीट लूण पसंद नुह से माने प्लेन लूण दे परिबे। एबे आ ऊपर टिके तेल दे दबा। तापर धीमा आंच रे पूर्णी 10 मिनिट पर्यंत घोड़नी दे दबा।
ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ମୋ ଘୋଡ଼ଣୀ ଖୋଲି ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଉତ୍ପମ ହୋଇଗଲାଣି, ଛୁରୀରେ ଲାଗୁନି। ଏ ଉତ୍ପମକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଖୋଲି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଚଟପଟା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ପମ। ଏହାକୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ, ବଡ଼ମାନେ ବି ସକାଳେ ଏହାକୁ ଜଳଖିଆ ଭାବେ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ପମ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗାହାଣ୍ଡି ଶାଳର ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।